उसके पिलर फाकों से अपनी यारी है अल्हम्दुलिल्लाह से। 14 अगस्त, आज 14 अगस्त है तो, लेकिन हम जो है ना ये काम यहाँ पे दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। ये देखें जी, ये मेन गेट भी यहाँ पर लग चुका है। टेंशन हो गए तो 10 ही में उससे पहले ना कर देनी है। हाँ प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों का हंसता रखे, मुस्कुराता रखे और बिल्कुल फूलों की तरह। इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, आज जा रहे हैं दिहाड़ी पर। अल्लाह पाक का करम हुआ कि आज अल्लाह पाक ने हमें ज़रिया मुआश अता किया। आज की दिहाड़ी लग गई तो इंशाल्लाह एक दो दिन के राशन का अहतमाम हो जाएगा। तौफीक और मैं जो है ना साथ जा रहे हैं, तो फिर चलते हैं काम की तरफ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, हम काम पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये देखें जी, मटेरियल भी आ चुका है और मेरा मजदूर यहाँ पर ये देखें अपने काम में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये दीवार जो बच रही थी वो भी लगाते हैं दीवार, और मेन गेट भी लगाते हैं। इसका मेन गेट भी आ चुका है माशाल्लाह से, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जी मस्जिद के अंदर रखा हुआ है मेन गेट, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा गेट है। इसमें ये छोटा सा दरवाज़ा भी है जो कि मेन गेट ना खोलें, इसको यूज़ किया जाए। मतलब ज़रूरत के मुताबिक गेट खुला रहेगा तो अलग बात है, लेकिन ये खिड़की भी है इसमें छोटी, तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और इसके जो ये छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर इसके वो लगेंगे दस्ते, जिन पर जिनको यानी पकड़ कर खोला जाता है। उर्दू में तो दस्ते बोलते हैं हैंडल। माशाल्लाह जी, हमारा सुबह का नाश्ता आ चुका है और हमारे मजदूर साहबान भी, और अगर किसी दोस्त ने हमारे साथ नाश्ता करना है तो बिस्मिल्लाह आ जाएं। माशाल्लाह जी, अभी यहाँ पर ये पिलर के लिए खुदाई का काम शुरू है। यहाँ पर मेन गेट लगाएंगे हम, ये नीचे से पिलर निकलेंगे उसके, तो उसके लिए खुदाई की जा रही है। एक वो सामने वहाँ पे और एक यहाँ। माशाल्लाह जी, एक पिलर जो है ना हम उठा दिया है कंप्लीट, और अब ये इस पर गेट जो है ना खड़ा करेंगे। और ये पिलर दूसरा जो है ना, ये इसकी भी बुनियाद हमने लगा ली है, तो इसके साइडों में मिट्टी भर दी है। अभी इसको मज़ीद जो है ना ऊपर उठाएंगे, तो उसके बराबर करके फिर गेट खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। हाँ अब्दुल माजिद, की हाल है? ठीक। किदा फिर? मज़े मज़े में। चलो माशाल्लाह, कोई टेंशन तो नहीं ना? ना, ना। टेंशन हो तो दस ही में उससे पहले ना कर देनी है। ठीक है। हाँ माशाल्लाह जी, ये देखें हमारा दोपहर का खाना है। माजिद भाई, वो तो वही मिसाल हो गई ना, दाल दे तत्ते लंग पार गया उसे, है ना? चलो माशाल्लाह जी, जो नसीब में होता है वही मिलता है। और माशाल्लाह ये देखें जी, हम मेरी पसंदीदा छाछ भी आ चुकी है, और जी हमने माशाल्लाह से खाना शुरू कर दिया है। माजिद भाई ने तो ऑलरेडी शुरू कर ही दिया है, तो फिर हम भी बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, मेन गेट जो है ना उसके कॉलम भी बिल्कुल तैयार खड़े हो चुके हैं। बाकी इनमें कंक्रीट भरने वाला रह गया है काम, वो इंशाल्लाह सुबह करेंगे। क्योंकि अभी अगर इसमें माल भरेंगे तो ये, जैसे कि अभी आज की चुनाई लगी हुई है, तो इनके फटने का ख़तरा होता है कि ये इनके ईंटें गिर ना जाएँ, खुल ना जाए, तो इसलिए फिर इसको कल जो है ना सुबह आते ही इंशाल्लाह भराई कर देंगे। और इस तरफ जो दीवार बाकी रह रही है ये वाली भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, तो कल इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पर आ चुके हैं हमारे सेठ मोहसिन सईद साहब। अस्सलाम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? वैसे तो मैं सारा दिन आपके साथ ही रहता हूँ। हाँ वैसे तो ये सारा दिन अपने साथ ही हैं, लेकिन अभी जो है ना अभी आए हैं, मतलब
रिफ्रेशमेंट करने गया था मैंने कहा कि अभी हम भी काम से फ्री हो गए हैं और ये भी आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो इनके साथ एक वीडियो क्लिप हो जाए। तो और सुनाए जी कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज कैसे हैं? बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह जी। बहरहाल जी आज का जो काम था वो तो माशाल्लाह से कंप्लीट हुआ, बाकी जो दीवार और इसका जो कंक्रीट भरने वाला है वो इंशाल्लाह सुबह करेंगे। जिंदगी बखैर बिल्कुल इंशाल्लाह, जिंदगी के साथ है। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, जब तक जिंदगी है बंदा काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, सांस ही नहीं होगी तो क्या करेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो जिंदगी की डोरी जब तक है बंधी हुई तब तक ये काम है, ये दुनियादारी है। जब सांसें टूट गई तो इस दुनिया से ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ सब फिर वो कहते हैं ना कि ठाठ पड़ा रह जाएगा, फिर तो बंदा अपने सहारे भी नहीं चल सकेगा, वही तो दूसरों उठा के ले जाएंगे। हाँ वो कहते हैं ना ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हाँ, तो बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ का काम है 14 अगस्त के हवाले से, मतलब यूँ नहीं है 14 अगस्त, यानी आज 14 अगस्त है, तो लेकिन हम जो है ना ये काम यहाँ पे दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। ये देखें जी, ये मेन गेट भी यहाँ पर लग चुका है, ये दीवार जो हमने लगानी थी ये इसका आखिरी रद्दा रह रहा है, ये लड़के लगा रहे हैं। मतलब ये भी दीवार भी कम्प्लीट हो गई है, मुकम्मल मस्जिद की जो है ना चार दीवारी ये कम्प्लीट है। तो बाकी इसके मीनार और इसके वॉशरूम जो है ना ये बिल्कुल ख़राब हुए पड़े हैं, दिखाना भी मुनासिब नहीं लगता कि दिखाया जाए। मतलब हाँ मैं दिखाता हूँ वैसे, लेकिन ये इतना ख़राब हुए पड़े हैं कि इनको वैसे यहाँ से ये मस्जिद के सहन में आ रहे हैं तो इनको हटाना ही बेहतर होगा। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं, तो ये यहाँ से निकालने हैं, इनको बाहर ले जाना है गेट की तरफ। तो इनके लिए जो है वॉशरूम, सकावा, मोटर और ये गुसलखाना, ये तीन चार चीज़ों की जो है ना अच्छा ज़रूरत है। और इसके मीनार भी लगने वाले हैं और इसका प्लस्तर भी होने वाला है। तो माशाल्लाह खैर, अल्लाह पाक कोई वसाइल बना देगा, कोई देखने वाले दोस्त अहबाब जिनका दिल करे इसमें अपने तरफ से ज़्यादा या कम हिस्सा मिलाना चाहें तो बिस्मिल्लाह मिला सकते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी मस्जिद का गेट, उसके पिलर भी जो है ना प्लस्तर हो के कम्प्लीट हो चुके हैं। अल्लाह पाक देने वालों को जज़ाए खैर देवे। प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से हम आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद मुमलिकात में रहते हैं, ये एक सच है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हम अपने पेट की जंग से आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। जहाँ पर खुशी है हमारे मुल्क की आज़ादी की कि हमें अल्लाह पाक ने इस नेमत से नवाज़ा, वहीं पर यह भी है कि कितने मुहिब्बे वतन लोगों ने, उलमा ने, हमारी बहनों बेटियों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान के नजराने पेश किए। खुशी के साथ हमें उनकी बरसी भी अपने जहनों में बिठा लेनी चाहिए। ये नहीं है कि हम आज़ादी के नाम पर यहाँ पर आवारागर्दियाँ करें या फिर इस तरह के कोई काम सर अंजाम दें जिनसे उनकी रूहों को और अल्लाह पाक की ज़ात को नागवार गुजरे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो आपने देखा, अभी तक अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें। और हम गरीबों की जो जश्न आज़ादी होती है वो हमारी रोज़गार के साथ जुड़ी हुई होती है, और यह कि हमारा कोई मुस्तकिल रोज़गार तो नहीं कि महीने के बाद कोई सैलरी आ जाएगी, कभी काम लगता है कभी नहीं भी मिलता। तो इस वजह से जिस दिन काम मिल जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन पेट भर खाना मिलना होता है और बच्चे भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। और जब ये चीज़ हमें मुयसर ना हो तो फिर फाकों से अपनी यारी है अल्हम्दुलिल्लाह से। प्यारे दोस्तों इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।